गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिया अवतार। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम ने लिया अवतार। उत्तर प्रदेश के एक एक गांव से लेकर भारतवर्ष के हर कोने में उक्त पंक्तियां जन जन में मशहूर हैं। कल कल निनाद करती पावन सरयू नदी के तट पर स्थित भारत की प्रमुख तीर्थस्थली अयोध्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 127 किलोमीटर दूर यह पवित्र नगर सभी धर्मों के अनुयायियों की प्रमुख आस्था का केंद्र है। अयोध्या बड़ी रेलवे लाइन पर दिल्ली, फैजाबाद, वाराणसी, हावड़ा लाइन पर एक प्रमुख स्टेशन है। सभी ट्रेनें रुकती हैं। सड़क मार्ग से अयोध्या नगर फैजाबाद से 7 किलोमीटर, दिल्ली से 638, वाराणसी से 193, इलाहाबाद से 160 तथा गोरखपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या विशेष रूप से हिंदू धर्मावलंबियों के हृदय में रचे बसे आराध्य देव भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह अन्य धर्मों मुस्लिम, सिख, पारसी तथा जैन धर्मानुयायियों की आस्था का प्रमुख तीर्थधाम है। सभी धर्मों के मतावलंबी वर्ष भर यहाँ अपनी मानसिक शांति, मुक्ति और ज्ञान की पिपासा को बुझाने के लिए आते रहते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में कबहु न व्यापा। अर्थात अयोध्या नाम की इस पावन तीर्थ नगरी में आने वाले प्राणी को दैहिक दैविक तथा भौतिक संतापों से मुक्ति मिल जाती है। तीर्थ के अलावा ज्ञान और शिक्षा का भी यह नगर आदिकाल से प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ कई प्राचीन विद्यालयों, मदरसों, महाविद्यालयों के अलावा अयोध्या शोध संस्थान की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर प्राचीन ज्ञान विज्ञान, कला, वेद पुराण, उपनिषद तथा आख्यान के ग्रंथ संरक्षित हैं। कला की दृष्टि से भी यह नगरी विलक्षण एवं अद्भुत है। इस नगर के मठ मंदिर व घरों की नक्काशीदार शैली प्रशंसनीय है। इन्हीं मनोरम झांकियों के बीच वास्तुकला की अद्भुत मिसाल के लिए विख्यात जैन मंदिर प्रमुख तीर्थ के रूप में अयोध्या में ही विराजमान है। ये मंदिर जैन धर्मावलंबियों के दोनों संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर के प्रमुख तीर्थ धाम हैं। इन मंदिरों की एक एक ईंट व पत्थर अपनी अनुपम वास्तुकला की मनोरम छटा से पर्यटकों व आगंतुकों का मन मोह लेते हैं। जब मनुष्य खेती भी करना नहीं जानता था और काफी मजबूत कद काठी का हुआ करता था, उस वक्त से जैन परंपरा की शुरुआत अयोध्या से मानी जाती है। बल्कि यूं कहें कि जिस अयोध्या को भगवान श्री राम की अयोध्या के नाम से जाना जाता है, उन्हीं भगवान श्री राम की वंश परंपरा के पूर्व क्षत्रिय वंशजों ने जैन परंपरा या संप्रदाय का संचालन किया। जैन ग्रंथों के अनुसार अवध नरेश नाभिरायवा महारानी मरुदेवी के पुत्र रूप में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था। उनका विवाह इंद्र की अनुमति से कच्छ व सुकच्छ राजाओं की बहन यशस्वती व सुनंदा से हुआ। यशस्वती देवी से भरत चक्रवर्ती समेत 99 पुत्र एवं ब्रह्म कन्या तथा देवी सुनंदा से भगवान बाहुबली व सुंदरी नाथ की कन्या उत्पन्न हुई। इस तरह भगवान ऋषभ देव के 103 पुत्र पुत्रियां थीं। जैन परंपरा अनुसार प्रत्येक कालखंड में 24-24 तीर्थंकरों का प्रादुर्भाव हुआ। वर्तमान काल के 24 तीर्थंकरों में दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ भी अवध नरेश महाराजा जित शत्रु व महारानी विजया के पुत्र थे। उनका जन्म माघ शुक्ल दशमी को हुआ था। बेगमपुरा मोहल्ले के बक्सरिया टोले में उनकी टोंक मौजूद है। वहां उनके चरण चिन्ह विराजमान हैं। इसी तरह चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ अयोध्या के
इक्ष्वाकु वंशीय राजा स्वयंवर व महारानी सिद्धार्था के पुत्र थे। राज्य संचालन करते हुए विरक्त भाव जागृत होने पर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। कटरा मोहल्ले में इनकी टोंक स्थित है। वहीं पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भी अयोध्या के राजा मेगईत व रानी मंगलवती के पुत्र थे। उनका जन्म चैत्र शुक्ल एकादशी को हुआ था। इसके अलावा 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ अवध नरेश सिंहसेन व महारानी जयश्यामा के पुत्र थे। इतिहासकारों के अनुसार ईस्वी सन 1194 के लगभग दिल्ली विजेता मोहम्मद गौरी के भाई मखदूम शाह जूरन गौरी ने अयोध्या पर आक्रमण करके ऋषभदेव की जन्मस्थान विशाल जिन मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी। कालांतर में जैनियों के आग्रह पर बादशाह सलामत ने मस्जिद के स्थान पर भगवान आदिनाथ का मंदिर बनवा दिया और शेष मंदिरों के जीर्णोद्धार का हुक्म दिया। अयोध्या के कटरा मोहल्ले में स्थित श्वेतांबर संप्रदाय का यह जैन मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दूर दूर तक विख्यात है। तोरण द्वार, सीढ़ियों, स्तंभों व दीवारों पर वास्तुकला की मनोरम झांकियां वास्तुकला के प्रत्येक दृष्टिकोण से अद्भुत हैं। कटरा मोहल्ले में शीतल मुनि की टोंक है। ये दिगंबर मुनि थे। इनकी चरण पादुका सन 1847 में स्थापित की गई। यहाँ तीर्थंकरों की जो टोंके हैं वे भगवान ऋषभदेव के जन्म स्थान की सूचक हैं। कटरा मंदिर के सामने दो मंजिली धर्मशाला भी है। कटरा मंदिर में सन 1952 में आचार्य देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से भगवान आदिनाथ की मूर्ति विराजमान है। श्री देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से ही रायगंज में रियासती बाग के मध्य एक नवीन मंदिर भी है, जिसमें 31 फुट ऊंची भगवान ऋषभदेव की मूर्ति विराजमान है, जिससे यह अयोध्या क्षेत्र समाज के तीर्थ क्षेत्रों में आकर्षण का केंद्र बन गया है। अनादिकाल से अयोध्या में जैनियों की परंपराएं अबाध गति से प्रवाहित होती देश के कोने कोने में चली आ रही है। अतः अयोध्या नगरी प्राचीन जैन परंपरा की उर्वर भूमि है। पांच तीर्थंकरों की प्रसव भूमि होने के कारण जैनियों का यहाँ से गहरा आत्मिक सरोकार और लगाव है। इस प्रकार अयोध्या की सौंधी माटी में जैन परंपरा की जड़ें तल स्पर्शी और गहरी हैं। यह जैन अवधारणा ही है कि समय के परिवर्तन या कालगत दोष हो जाने पर भी नए रूप में यह भूमि अयोध्या स्वयं प्रकट हो जाती है। इसलिए यह अनादि निधन शाश्वत तीर्थ वसुंधरा है। अयोध्या विविध नाम से विख्यात है, जैसे साकेत, विशाखा, कौशल, हरिणदया, विजया, नंदिनी, सत्या, अयोध्या, अवध, अपराजिता, रामपुरा तथा इक्ष्वाकु आदि। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ। जैन का अर्थ है जेता, अर्थात वह जिसने राग द्वेष आदि मनोविकारों का सफलता के साथ दमन करके अपने को वश में कर लिया हो। इस प्रकार जैन धर्म एक संयम और सात्विकता से युक्त धर्म है। जिनके उपासक जैन की संज्ञा से संबोधित किए जाते हैं, जिनकी उपाधि जैनियों के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर को दी गई है। जैन मत संकेत करता है कि जैन दर्शन का स्वरूप मुख्यतः नैतिक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति की परिणाम स्वरूप वैदिक कर्मकांडों की जटिलता, बहुदेववाद, कठोर व्यवस्था आदि के कारण वैदिक धर्म के विरोध में जैन धर्म का उद्भव हुआ, और वह भी अयोध्या नगर में। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभावोदितशोषणाय। आदिपुरुष आदिश जिन आदि सुविध करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार।
जैन साहित्य में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है। सभी तीर्थंकरों का संभोशरण अयोध्या में आया। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैनी इसी काल से अपने धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। सौभाग्य से ऋषभदेव का जीवन चरित्र जैन साहित्य में ही नहीं बल्कि वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है। ये जिस समय उत्पन्न हुए थे भारत में उस समय प्रायः असभ्य और बर्बर समाज था। यहाँ के निवासी भोजन पकाने के लिए अग्नि का प्रयोग करना तक नहीं जानते थे। वे पूर्ण रूप से निरक्षर थे। उस समय विवाह की संस्था का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। लोग मृतकों के शवों को न गाड़ते थे न जलाते थे बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए यूं ही छोड़ देते थे। ऐसी बर्बर अवस्था में ललित कला आदि का पाया जाना तो असंभव ही था। इस प्रकार के असभ्य समाज को सभ्यता का पाठ ऋषभदेव ने ही पढ़ाया। जैन अनुश्रुति के अनुसार भगवान ऋषभदेव इक्ष्वाकु भूमि यानी अयोध्या में ही उत्पन्न हुए। ये चक्रवर्ती राजा थे। ये 100 वर्षों से भी अधिक अवधि तक जीवित रहे। दीर्घकालीन शासन करने के बाद अपने पुत्र भरत को राजाधिकारी बनाया और ये संन्यास ग्रहण कर तीर्थंकर हो गए। ये नग्न अवस्था में रहने लगे और इनके मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई। भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याण के पुनीत अवसर पर प्रतिवर्ष क्षेत्र का मेला अयोध्या में चैत बदी अष्टमी नवमी को 2 दिन तक समारोह पूर्वक अत्यंत धूमधाम से विविध आयोजनों के साथ मनाया जाता है, जिसमें समीपवर्ती क्षेत्रों फैजाबाद, दरियाबाद, टिकैत नगर, बाराबंकी, लखनऊ इत्यादि की जनता द्वारा प्रत्येक अवसर पर हर प्रकार का सहयोग किया जाता है। मेले में भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए कलाकारों द्वारा मशहूर लोक परंपरा गायन तथा मनोरम नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। विश्व मंगल मैत्री के इस अभियान में हम चाहते हैं कि आप हृदय से जुड़ें। जब व्यक्ति हृदय से जुड़ता है तो हृदय की बात होती है और बहुत गहरे तक प्रभावित होता है। लव बिगेट्स लव। जब हृदय से जुड़ता है तो प्रेम का झरना भीतर से फूटता है और जितना प्रेम आप बांटते हैं उतना प्रेम स्वतः मिलता चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर सोचे कि वो इस संसार के लिए क्या कर सकता है, इस सुंदर संसार को और सुंदर कैसे बना सकता है। हम सुंदरता में आगे बढ़ें और सुंदर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। दुखी होने का एक ही रास्ता है कि मुझे क्या मिलेगा, और सुखी होने का एक ही मार्ग है कि मैं क्या दे सकता हूँ इस विश्व को, सारे देश को क्या दे सकता हूँ। आज हम कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता में बंधे हैं, जाने या अनजाने, नोइंगली और अननोइंगली। इसे हमें बदलना होगा। अब हमें बदलने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें सुख शांति समृद्धि की ओर ले जाता है। इस अवसर पर जैन भक्तों द्वारा जैन परंपरा की सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं, जो चिरकाल तक अविस्मरणीय होती हैं। भारत में जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म 540 ईस्वी पूर्व के बाद और उनके निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। अकाल 12 वर्षों तक रहा। अतः बहुत से जैन प्राण बचाने के लिए दक्षिणा पथ चले गए और शेष जैन अनुयायी मगध में ही रह गए।
तभी से दक्षिणापथ के जैन दिगंबर संप्रदाय वाले कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर संप्रदाय वाले कहलाए। यहीं से जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय का उदय हुआ। जैन धर्म के दोनों ही संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर के आराध्य देव यानी ऋषभ देव एक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि उनके भगवान नग्न अवस्था में रहते थे, उनको वस्त्र आदि तक का भी यानी सांसारिक मोहमाया की किसी भी चीज से लेश मात्र भी मोह नहीं था। दिगंबर संप्रदाय के आराध्य देव की सभी मूर्तियां खड़ी और नग्न अवस्था में मिलती हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के आराध्य देव की सभी मूर्तियां वस्त्र धारण की हुई ऊंचे चबूतरे पर जिन्हें संभव शरण कहते हैं पद्मासन में बैठी हुई दिखलाई पड़ती हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के मंदिर और मूर्तियां खूबसूरत पत्थरों की कलाकृतियों एवं नक्काशीदार वास्तु शैली के लिए प्रसिद्ध है। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि उनके आराध्य देव नग्न होकर के लोगों को घूम घूम कर उपदेश नहीं देते थे, बल्कि सभ्याचरण में वस्त्र धारण कर पद्मासन स्थिति में लोगों को उपदेश देते थे। आदिदेव ऋषभदेव के अयोध्या में जन्म ग्रहण करने से अयोध्या को धर्म भूमि और तीर्थ भूमि कहा जाने लगा। ऋषभदेव के संबंध में सर्वाधिक प्रमाण स्वरूप सामग्री उड़ीसा में मोहन जोदड़ो से अधिकृत हुई थी। उड़ीसा में ईस्वी सन 130 वर्ष पूर्व महाराज खारवेल ने कलिंग के राजा पुष्यमित्र शुंग को परास्त किया और मगध से जिन मूर्ति प्राप्त करके कुमारी पर्वत पर स्वस्थापित कराई थी, जिसे नंदवंशी राजाओं ने जीतकर पाटलिपुत्र में ले जाकर स्थापना कराई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जटाजूटधारी दिगंबर मूर्ति संभवतः आदि अवतारी ऋषभदेव की ही प्रतीत है, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में ऋषभदेव नाम से हुआ है। ऋषभ भगवान का चिन्ह वृषभ यानी बैल ही है। यह बैल नंदी रूप में शिव का वाहन है। ऋषभ ने जिस त्रिवेद संयम का निरातिशय पालन अर्थात मन वचन और कर्म को वश में रखने का उपदेश दिया, वही शिवजी का त्रिशूल है। त्रिशूल के तीनों ही कोण सत रज और तम गुण के प्रतीक भी हैं। ऋषभदेव ने अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी को सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान अयोध्या में ही कराया, तभी से ब्राह्मी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। छोटी पुत्री सुंदरी को अंक विद्या यानी गणित की शिक्षा दी, तभी से अंक गणित का प्रारंभ माना जाता है। उन्होंने प्रजा की आजीविका के लिए असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प आदि छह प्रकार की विद्याओं का निदर्शन कराया, इसलिए वे प्रजापति कहलाए। वैशाख्य सुदी तृतीया को राजा श्रेयांश गन्ने के रस का प्रथम आहार ग्रहण किया, वह पेय पदार्थ अक्षय बन गया, अतः वह दिन जनता में अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि को वे कैलाश पर्वत पे निर्वाण को प्राप्त हुए थे। जैनी उस तिथि को भगवान का मोक्ष कल्याणक मानते हैं। अन्य सनातन धर्मावलंबी फाल्गुन चतुर्दशी को हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि मनाते हैं। जैन विद्वानों के अनुसार भगवान ऋषभदेव ही सदाशिव हैं। आरंभ में अयोध्या के जैनियों ने संस्कृत भाषा का परित्याग किया और जनमानस की बोलचाल वाली भाषा प्राकृत अपभ्रंश भाषा को अपनाया। उनके पारंपरिक सदग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में रचे गए। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं को माध्यम बनाकर कृतियों की रचना करके साहित्यिक विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। प्राकृत अपभ्रंश कन्नड़ तमिल तेलुगु आदि भाषाओं में भी साहित्यिक सृजन हुआ। प्राकृत भाषा से कई अन्य क्षेत्रीय उपभाषाएं भी विकसित हुईं। इनमें शौर सेनी और मराठी भाषा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्वेतांबर परंपरा अनुसार पूर्व मध्यकाल में हेमचंद्र आदि विद्वानों ने काव्य व्याकरण ज्योतिष छंद शास्त्र आदि विविध विषयों पर साहित्यिक रचना करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। तमिल ग्रंथ कुराल का कुछ भाग भी जैनियों द्वारा रचित है। जैनों ने मध्यकाल के प्रारंभ में
संस्कृत भाषा का बहुशा प्रयोग किया है। कई जैन ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी रचे गए, जिनमें कल्प सूत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में पृथक पृथक 23 तीर्थंकरों की जीवनियां उपनिबद्ध हैं। द्वितीय भाग में जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है और शेष अंतिम तृतीय भाग में जैन गांधारों का क्रमानुसार वर्णन उपलब्ध होता है। परिशिष्ट पर्वन भी जैन ग्रंथ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैन साहित्यकारों में हरिभद्र, सिद्धसेन, जयसिंह, नंदी, पूज्यपाद और हेमचंद्र का नाम आदर के साथ लिया जाता है। जैन लेखों का एक बहुत बड़ा भाग आज भी पांडुलिपि के रूप में अप्रकाशित पड़ा है। गुजरात और राजस्थान के मठों में ऐसी पांडुलिपियां पाई जाती हैं। साहित्यिक योगदान के साथ साथ जैनी लोगों ने कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। जैन परंपरा के इतिहास में मथुरा के कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। नक्काशीदार पत्थरों से निर्मित जैन मंदिरों की वास्तुकला शैली प्रशंसनीय है। ये मंदिर खूबसूरत तरीके से तराशे गए विभिन्न भावभंगिमाओं को उकेरती हुई प्रतिमाओं एवं डिजाइनों के लिए मशहूर है। यह है अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर फैजाबाद लखनऊ हाईवे पर स्थित रत्नपुरी यानी रौनाही का नवनिर्माणाधीन श्वेतांबर जैन मंदिर, जो विगत 6 वर्षों से सतत निर्माणाधीन है। यह मंदिर संगमरमर एवं राजस्थान के अति मूल्यवान बंची पहाड़पुर के पत्थरों द्वारा बनाया जा रहा है। यह मंदिर गुजराती शैली के नमूने पर आधारित है। ये पत्थर धौलपुर बंसी पहाड़पुर से आता है, राजस्थान से, और ये बैट पत्थर है और कारीगरी सब हाथ से होती है इसमें, और ये नरम भी पत्थर है। इसमें जहाँ से गढ़ाई हो जाती है, हाथ से सफाई आ जाती है, गढ़ाई हो जाती है और बढ़िया बढ़िया होता है। 2004 से चालू है मंदिर का निर्माण कार्य और हम यहाँ पर जब ही से लग रहे हैं। इसको सील बोलते हैं। हाँ, यहाँ से ये जो आया फूल वाला उसको फूल पट्टी बोलते हैं। हाँ, और ऊपर का डासा क्या, और पूरा आइटम इधर से इधर तक को हाथनी बोलते हैं क्या। हाँ, जहाँ यहाँ हाथी भी रखा जाता है, कोई बड़े बूढ़े आ जाए तो यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा, अच्छा फिर ये कर्णपीठ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, उस पत्थर को बोलते हैं तलकड़ा। तलकड़ा के बाद हो गई बाड़साख, तो बाड़साख आ गई यहाँ तक, फिर ऊपर ओतरंग, ओतरंग के ऊपर फिर बड़ा ओतरंग। ये दरवाजे में हर एक जगह बनता है, नक्शी अलग अलग प्रकार की बनती है, सब नक्शी हाथों से बनाई जाती है, और ये कम से कम 7 साल से मंदिर बन रहा है। और ये जगह का नाम रतनपुरी रौनाई है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में यूपी में है ये। यहाँ पर जो पत्थर घड़ाई करने के लिए आए हुए कारीगर है वो सब राजस्थान के हैं। हाँ, और पत्थर भी राजस्थान का ही है, बंसी पहाड़पुर पत्थर का नाम है, और उसमें हाथ से ही सब घड़ाई कर रहे हैं। मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मेरा नाम विजय भाई एस सोमपुरा है और मैं गुजरात का हूँ। रौनाही को रत्नपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह 2500 वर्ष पूर्व से अब से 50 वर्ष पहले तक एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। यह हिंदू धर्म व जैन धर्म के समाज का प्रमुख स्थान रहा है। यह स्थल
घाघरा व सरयू नदियों का संगम स्थल है। घाघरा पश्चिम से और सरयू उत्तर से मिलकर इसी रत्नपुरी में संगम बनाती हैं। ये रतनपुरी तीर्थ जैन सितंबर मंदिर है। श्री धर्मनाथ भगवान स्वामी का यहाँ चार कल्याणक है, चवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और दादा गुरु गौतम स्वामी का है। प्रतिमा बहुत प्राचीन जूनी प्रतिमा है, 2500 वर्ष पुरानी, राजा संपत्ति औकत की। और ये रवनाही तो 18 गांव नदी में कट गया। रतनपुरी तीर्थ यानी भगवान की भूमि बची हुई है, जो रतनपुरी का भाग बचा हुआ है। और यहाँ दोनों नदियाँ अलग अलग से आई हैं, जैसे सरजू अलग से आई है, घाघरा अलग से आई है, दोनों नदियाँ यहाँ आपस में मिल गई हैं, संगम यहीं हो गया है। और यहाँ दिगंबर भी मंदिर है, श्वेतांबर भी मंदिर है। और ये जो सत्यनारायण व्रत कथा है, ये वही रतनपुरी है। ये पुराणों के अंतर्गत ये भी तीर्थ आता है, क्योंकि यहाँ का विवरण पूरा पुराणों में दिया गया है, जैसे श्रीमति भागवत है, गीता है, रामायण है। तो ये पुराणों के अंतर्गत ये जैन तीर्थ भी आपका आता है। और ये रवनाही रतनपुरी तीर्थ जो है बिल्कुल एक सरजू के एकदम तट पर बसा हुआ है। और यहाँ जब लखनऊ फैजाबाद कोई रेल सेवा, कोई गाड़ी सेवा कुछ नहीं था, तब यहाँ नाव से व्यापार होता था। सिल्लीगुड़ी, आसाम, नेपाल तक, यानी बिहार, बंगाल, झारखंड तक व्यापार यहीं से होता था। एक नाव वहाँ लगी, डेली एक नाव यहाँ से छूट जाती थी कलकत्ता के लिए, और डेली एक नाव वहाँ से आती थी रतनपुरी के लिए। पूरा व्यापार यहाँ नाव से होता था। और भगवान राम जब वन को गए तो इस रतनपुरी से होके गए, यहाँ उपदेश दे के गए। और रावण एक ही बार आया है, रतनपुरी भी एक बार पधारा है और अयोध्या भी पधारा है। जो सत्यनारायण व्रत कथा है अपने वैष्णव धर्म की, जो रतनपुरी का पूरा विवरण दिया गया है, वही रतनपुरी है। और कलावती जो कन्या थी, जो साहूकार बनिया थे, जो लतापत थी, वो यही सरजू तट है और यही नदी है। जो साहूकार बनिया की जो नौका डूबी थी, जो भगवान किसी कृपा है नाव ऊपर आ गई, या कलावती कन्या, जो पूरा विवरण है सत्यनारायण व्रत कथा की, मतलब वो यही की है। जैन उपासना में अहिंसा का बहुत महत्व है, वस्तुतः वह जैन धर्म का प्राण है। पूर्ण अहिंसक पुरुष को पर ब्रह्म परमात्मा की संज्ञा दी गई है। जिस वसुधैव कुटुंबकम या विश्व बंधुत्व की दुहाई सभी धर्म व शास्त्र देते आए हैं, कबीर और नानक की वाणी, कुरान की शिक्षा ने जिस आपसी भाईचारे व अहिंसा परमो धर्म को जोर देकर कहा है, वही अहिंसा शब्द जैन धर्म का प्राण स्वरूप है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम। जैन धर्मोपासना में अहिंसा के पालन का जितना कठोर विधान है, उतना अन्य मतों में कठिनाई से प्राप्त होगा। जैन धर्म में सदाचार को अत्यंत महत्व दिया जाता है। जैन धर्म संसार की प्रत्येक वस्तु में जीव की स्थिति मानता है। आज विश्व में जहां चारों तरफ अशांति और हिंसा का वातावरण व्याप्त है, डर और भय से लोग आक्रांत हैं, ऐसे वक्त में जैन धर्म की शिक्षाएं अत्यंत अनुकरणीय व महत्वपूर्ण हैं। अहिंसा को परम धर्म मानते हुए मानव मात्र को अत्यंत सावधान होकर चलने के लिए विधान जैन मत में प्रस्तुत किए गए हैं। शावक या गृहस्थ के लिए यत्नपूर्वक मदिरा, मांस, मधु आदि का त्याग आवश्यक बताया गया है। इसके अलावा भूमि में पैदा होने वाली सभी भीतरी भोजन सामग्रियां, जैसे मूली, अदरक, प्याज, लहसुन आदि का आहार निषिद्ध है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में भी अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ तक वर्णन है कि यदि शरीर में मक्खी अथवा मच्छर दंश मारता है या काटता है, अथवा सांप भी अगर शरीर में लिपटा है, तो भी जैनी लोग नहीं हटाते, ताकि उस जीव मात्र को किसी प्रकार की पीड़ा व जीव हिंसा ना हो। जैनी निशाकाल अर्थात संध्या काल में भोजन नहीं ग्रहण करता, सूर्यास्त के पहले ही भोजन ग्रहण कर लेता है। छने हुए जल का ही सेवन करता है, ताकि उसमें
किसी सूक्ष्म जीव की आशंका ना हो और किसी प्रकार की जीव हिंसा ना हो। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के 5 महाव्रत प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय हैं: सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रत्येक मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय वचन ना बोले, क्योंकि कठोर और अप्रिय वाणी हिंसा एवं कष्ट का कारण होती है। अपरिग्रह के लिए आवश्यक है कि जितनी जरूरत हो उससे अधिक धन अथवा अन्न ग्रहण ना किया जाए। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ब्रह्म के मार्ग पर चलना। जैन परंपरा की दृष्टि से अयोध्या क्षेत्र मंडावल स्थावर तीर्थ है। यह प्राचीन काल से ही दिगंबर और श्वेतांबर जैनियों के लिए आदि तीर्थ स्थली है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रचना स्थली के रूप में पूज्य है। धर्म आयतनों तथा धार्मिक कलाकृतियों की संवाहिका के रूप में विख्यात है। जैनियों के मंदिर कोण और टोंक प्रत्यक्ष रूप से आज भी इसके प्रमाण की पुष्टि करते हैं। अयोध्या तीर्थंकरों की धर्मभूमि है, इसलिए परम पूजनीय रहेगी।